Hey guys, what's up? I hope you're doing good. My name is Yash Mahamna and welcome back to another YouTube video, guys. So, भाई जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाला है रूम टूर। आज मेरी जॉब नहीं थी यार, तो आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा यार आज रूम टूर शूट करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से ना रूम टूर के लिए प्लान कर रहा था, बट क्या हो रहा था कि जैसे यार अभी ना मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं सुबह बड़ा लेट उठ रहा था कि मतलब पता है रात को जैसे मेरी आजकल नाइट शिफ्ट हो रही है तो 3:30 बजे घर पे आ रहा हूँ, कभी 3 बजे घर पे आ रहा हूँ, तो यार सुबह आँख खुल नहीं पा रही थी क्योंकि एक सुबह माइंड पे स्ट्रेस नहीं होता ना, कल कहीं जाना नहीं तो आराम से आँख खुल रही थी, तो इस चक्कर से डेली वो मेरा रह जा रहा था शूट करना। तो आज मैं टाइम से उठा, सुबह सारे घर के काम निपटाए और रेडी हुआ, फिर मैंने कहा भाई आज शूट करके रहूँगा और आज फाइनली शूट कर रहा हूँ अब। तो भाई आज की वीडियो है रूम टूर कि मैं कैसे रहता हूँ, क्या मेरा रूम है, कितना मेरा मंथली मतलब एक्सपेंसेस रूम का और कितना मैं रेंट पे कर रहा हूँ, क्या मतलब यूटिलिटीज़ इंक्लूड है क्या नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो वैसे सबको पता ही होगा कि मैं क्योतो में रहता हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ कि मैं भाई क्योतो में रहता हूँ। तो क्योतो के अंदर आपको कितना रेंट पे करना होता है, जो भी क्योतो आना चाहता है आने मतलब जो अपकमिंग इनटेक्स में, तो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ होने वाली है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा कैसा, जो मतलब ये मेंशन नहीं है, मेंशन जो होते हैं भाई वो थोड़े से ना बड़े होते हैं और थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। मेरा एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट थोड़े से सस्ते होते हैं उसके मुकाबले, थोड़ी फैसिलिटीज़ भी कम होती है, मतलब वैसे सब मिल जाएगा बट जो आप चाहते हो कि जैसे बताता हूँ आपको आने वाले व्लॉग में, ज़्यादा ही बातें कर लेता हूँ तो व्लॉग खुलते ही यार तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है ये देखो। तो भाई ये देखो ये वाली बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ, इसका नाम ना सन हाइट्स है, जैसे आपको गूगल पे भी सर्च करोगे तो आ जाएगी। ये देखो भाई ये मेरा है, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है भाई, यहाँ पर मैं रहता हूँ भाई। गाड़ियाँ बड़ी आ रही हैं यार आज। ये देखो भाई ये पीछे तक है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी और भाई ये यहाँ तक है, तो आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ से पूरी ऐसे, इसमें 3 फ्लोर है भाई, वो देखो वहाँ पे एंड है इसका। और जो भाई मेरा घर है वो ये वाला है, ये देखो ये वाली मेरी बालकनी है, इसके ऊपर कोई बालकनी वगैरह नहीं है, और जो उन वालों की बालकनी है वो देखो ऐसे कवर्ड है, मेरी वाली यार ओपन है। अब जैसे कवर्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं रख सकता क्योंकि जो रखूँगा वो ख़राब ही होना है बारिश में। ये देखो हाँ ये देखो यहाँ से मेरा जो है ना वो ओपन है, उस साइड से देखोगे ना, अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये मेरी ना एल शेप में है, तो अगर इस साइड से देखोगे तो ये कवर्ड है पूरी, जो मेरा एल शेप में आ रहा है पूरा, तो मेरी बालकनी भाई एल शेप है। तो देखो यहाँ से देखोगे तो कवर्ड है, यहाँ मैंने अपनी मशीन रखी हुई है, तो यहाँ से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी क्योंकि आप सामान रख सकते हो, बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर गई या कुछ हो गया तो आपका सामान तो ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ रखा, कभी कभी स्नो गिर जाती है एकदम, तो ना मान लो मैं घर पे नहीं तो उसको हटाएगा कौन सामान, तो मैं कुछ ही रखता है साइड में, मेरी जो मशीन ही रखी हुई थी मैंने उस साइड रखी और कुछ भी नहीं छेड़ा मैंने वहाँ पर। तो अब भाई अंदर ले कर चलता हूँ कैसा रहता है। ये देखो भाई ये डस्टबिन है जो फेंकने के लिए अपना कूड़ा, यहाँ पे कुछ डेज़ होते हैं कि इस डेज़ पे कूड़ा फेंक सकते हो उस डेज़ पे कर सकते हो, तो उसके हिसाब से फेंकना होता है। तो ये देखो ये मेरी बिल्डिंग की एंट्रेंस जहाँ मैं रहता हूँ, ये देखो ये जापनीज़ में लिखा है सन हाइत्सु, ये भाई जो जिनकी कंपनी है उनका नाम लिखा होगा, हाउस नेटवर्क वगैरह। ये लॉकर है भाई, मतलब जैसे बड़े बड़े मैंशन होते हैं ना उनके अंदर लॉकर्स के अंदर ना क्या होता है कि नंबर लॉक होते हैं, और कई कई में होता है कि वो नंबर वाले नहीं होते कि नंबर अपना याद रख के वो कोई नहीं खोल सकता। अब मेरे वाले में क्या है कोई भी खोल सकता है अगर आपने लॉक नहीं करा हुआ, वैसे कोई खोलता नहीं यहाँ पे, ऐसे सेफ है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि मेंशन में होता है जो रेंट ज़्यादा है तो फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से, तो वहाँ पर आपको नंबर लॉक मिलता है, इंटरकॉम मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये देखो मेरा भाई रूम 202 है, 202, तो ये देखो इसको खोलोगे ये ऐसे आ रखा है, मैंने खोल दिया, वैसे कोई खोलता नहीं आपसी में किसी के, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे इन्होंने लॉक लगा रखा है तो इनका कोई नहीं खोल सकता, अब देखो इन्होंने नंबर लॉक अपना लगा रखा है तो अब अपना लगा सकते हो, बट मैं लगाए रखा है ऐसे कौन से यार, बिल ही तो आते हैं उनको कौन क्या भर देगा, कोई मेरे बिल लेके कोई क्या करेगा, ले जाए तो भर दे भाई, वो कोई लेगा नहीं ऐसे, फॉरन कागज़ ऐसे आता नहीं है, सिर्फ गैस का बिल आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा बस। हाँ ये देखो भाई मेरा जो है ना, देखो आप सीधा इसमें जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। महंगे महंगे मेंशन होते हैं ना जिनका रेट इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें आपको इंटरकॉम मिलता है, उसमें आप ऐसे सीधा नहीं जा सकते, जब तक आप नीचे जिसके घर में जाना उससे बात नहीं करोगे ना वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक वाला खुलेगा नहीं, तो इसमें क्या आप सीधा जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेरे रूम पर किसी जिसकी भी आप जान पहचान, तो आप सीधा सीधा चले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपको, तो ये फैसिलिटी रहती है सबसे फर्स्ट तो, है ना कि वो मेरे को अच्छा लगता है, पर यार रेंट ज़्यादा है तो आगे देखें कभी। ये कुछ नोटिस लगा रखा है यहाँ पे,
और अभी रात के टाइम में ये लाइट्स जल जाएंगी सारी, और ये वाली भी जल जाएगी, तो कोई पूरा उजाला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो भाई, मेरी बिल्डिंग में स्मोकिंग करना मना है, जहाँ मैं रहता हूँ इस वाली बिल्डिंग के अंदर। तो भाई इसके नीचे देखो साइकिल पार्किंग मेरे को मिलती है, जो ये देखो अभी तो साइकिल खड़ी नहीं है लोगों की, सब अपने काम वाम पे गए होंगे। ये भाई पेड़ नहीं है, फ्री है, आपको यहाँ पे कुछ पे नहीं करना साइकिल के लिए, सब इंक्लूड है उसके अंदर। और बाइक आप अलाउड नहीं है यहाँ पे, आप बाइक जैसे आपके पास है तो आप पार्क नहीं कर सकते, ना कोई बाहर की साइकिल वाला आके, जैसे मेरा कोई फ्रेंड आ गया, अब एक आधा दिन समझ आता है, पर अगर उसकी साइकिल दो तीन लगातार खड़ी है ना, तो वो नोटिस लगा देंगे इसके ऊपर कि भाई ये इस बिल्डिंग के स्टिकर नहीं है इस साइकिल पे, तो इसको अगर आपको वार्निंग दी जाएगी एक दो दिन में हटा दो, वरना इसको बाहर रखवा दिया जाएगा, मतलब जो टो वाले आते हैं साइकिल वाले जो, वो ले जाएंगे इसको, फिर आप छुड़वाते रहना अपने आप। ये देखो भाई इस पे ना ये स्टिकर रहता है, ये देखो हाउस नेटवर्क लिखा है ना मेरी साइकिल पे, ये मेरी साइकिल है तो इस पे भाई हाउस नेटवर्क का स्टिकर है। जिसकी साइकिल पे स्टिकर है मतलब वो इस बिल्डिंग की साइकिल है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी आए, कभी भी जाए, कभी भी खड़ी करे। तो ऐसे ही ये देखो जिम का भी लगा हुआ है, तो ये चक्कर है भाई। तो आपको ऊपर लेके चलता हूँ कि क्या रहता है। ये देखो ये भाई ऐसे ऊपर जाने का, क्योंकि मेरा रूम जो है वो जापान के हिसाब से सेकंड फ्लोर है, हमारे इंडिया के हिसाब से देखे तो भाई फर्स्ट फ्लोर है। तो ये आ गए भाई, तो ये देखो भाई ये है भाई मेरे रूम की एंट्रेंस, ये ऐसी की है। अब इसको यहाँ ऐसे डाला, ऐसे दबाया, ऐसे ओपन कर दिया, ये खुल गया भाई। भाई ये देखो ये मेरा कीज़ रखने के लिए मैंने बनाया हुआ है एक कटोरी में, कि मैं अपनी कीज़ ना इसके अंदर रख देता हूँ, क्योंकि कभी खो जाए कुछ गिर जाए तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने ऐसे गणेश जी रखे हुए हैं, अभी शायद लाइटिंग कम है तो शायद दिख नहीं रहे होंगे, अभी दिखेंगे। हाँ अब दिख गए ना, हाँ क्योंकि मैंने लाइट जला दी वहाँ की, तो बंद कर देते हैं इसको। तो भाई जापान में क्या, आप जैसे आओगे ना तो आपको शूज़ ऐसे उतार के सीधे करने पड़ेंगे जैसे मैंने उतारे, फिर आपको ये स्लीपर्स रहते हैं पहन लो। तो भाई स्वागत है आपका मेरे घर के अंदर सबका, मेरे भाइयों का, जो भी मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स का। तो भाई ये देखो ये मेरा घर है भाई, यहाँ से हम आते हैं, ये डोर है, यहाँ से हम आए, तो यहाँ आते ही हमारा जो है ये मेरा वॉशरूम है, मतलब कंबाइन है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो जो इसके अंदर देखो नहाने का, और ये अपना टॉयलेट और नहाने का, वो रहा नहाने का। मैं वैसे तो मैं बाथटब के अंदर नहाता नहीं हूँ, क्योंकि वो शार लगा हुआ है, तो मैं शार से ही ले लेता हूँ, क्योंकि वो देखो वो शार लगा हुआ है, उससे नहा लिया। और ये भाई ऐसे अपना, ये तुम्हारा भाई, हम रूम दिखाते हैं, इसको करो बंद। तो भाई ये मेरा पूरा, मैंने अपना खाने का बना रखा है, कि मतलब ये मैं ना शेक्स बहुत पीता हूँ, जैसे बनाना शेक हो गया तो उसमें ओट्स डाल दी। जब मैं जिम करता था इंडिया के अंदर तो मैं डाइट वगैरह बड़ी प्रेफर करता था, तो जब से अब जिम तो मैंने ज्वाइन कर लिया, पर उसकी ना कभी दूसरी कहानी सुनाऊंगा, अभी जिम वाला जब व्लॉग लाऊंगा उसके अंदर सुनाऊंगा वो कहानी, क्योंकि फिर ये व्लॉग लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी घर की बात ही करते हैं खाली। ये देखो भाई ये हमारे जो केले हो गए, ये अंडे हो गए, ये टॉयलेट पेपर हो गया, और ये भाई मम्मी ने मेरी भेजा गोले का तेल मेरे बालों के लिए, और ये आलू प्याज, ये पेनी बटर भाई, जो मेरे को बड़ा बहुत पसंद है वाला पेनी बटर माय फिटनेस का, वो ब्रेड रखी है, मतलब टोटली ना ये मैंने अपना खाने का बना रखा है। जो भी मैं बिस्किट्स वगैरह लाता हूँ, जैसे वहाँ रामेन रखी है, तो जो भी मेरा खाने का रहता है ना तो वो मैं यहाँ रख देता हूँ, मेरा पूरा खाने का कॉलम में है। तो भाई अपने यहाँ रख दिया, अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ मेरी। ये देखो भाई ये मेरी किचन है, ये देखो ये अपना यहाँ पे लाइट लगी हुई है यार, इसको मैंने थोड़ी देर पहले मैंने इसमें ब्रेड वगैरह करी थी तो इसकी जगह नहीं थी, तो इस चक्कर से मैंने इसको फिर ऐसे ही छोड़ दिया, मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं। ये मेरा भाई थोड़ा सा मैसी है, थोड़ा सा भाई सॉरी यार। ये देखो ये मेरा थोड़ा सा बर्तन रखने का, मतलब जो भी मैंने मैसी हो यार, अब क्या करूँ मैं यार, ऐसे ही रख देता हूँ, ये धुले हुए सारे, और ये अभी रिसेंट में धुले हैं। तो भाई ये मेरा रूम, ये भाई जो मेरा माइक्रोवेव है, ये भाई मैंने बाय नहीं करा, ये मेरे जो बगल में मेरी नेबर थी, जो मेरी फ्रेंड ही थी, तो वो शिफ्ट हो चुकी है टोक्यो, तो वो जा रही थी, उसके पास था, तो उसने मुझे दे दिया, तो उसने मेरे से कुछ चार्ज नहीं करा इसके लिए, उसने मुझे ऐसी फ्री में दे दिया, तो मैंने ख़रीदा नहीं भाई ये, तो यूज्ड ही कह सकते हो आप। तो ठीक है ऐसे कोई दिक्कत नहीं भाई, सही है, ये माइक्रोवेव हो गया अपना, मेरी मम्मी ने घी भेजा, अब इसको यहीं रख दिया यार, समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, जगह ही नहीं बना पा रहा मैं ढंग से, तो मैंने यहीं छोड़ दिया इसको।
ये मिक्सर भाई मैंने यहीं से मंगाया था 3500 येन का, मतलब 3500 येन का। और ये जो एसी रहता है ना, तो इसके अंदर ना देखो ये रहता है, ये अपना एसी के लिए मतलब ठंडी के लिए, और ये अपना गर्म के लिए, तो दोनों ये मतलब ना हीटर का काम भी करेगा और एसी का काम भी करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अभी ना ठंड बीच में बहुत बढ़ गई, तो मैं हीटर बहुत चलाने लग गया था, तो भाई वो जहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिया में मेरे ख्याल से 30 डिग्री रहता है, तो यहाँ भी मैं 28 पे रखता हूँ ज़्यादातर, है ना। तो ये देखो ये मेरा भाई स्कूल बैग हो गया, ये मेरा मतलब टोटल सामान सामून रखने का, कि भाई जैसे इसमें मेरे जो बिल्स वगैरह आते हैं सारे वो, इसमें मेरे जो थोड़ा कंघा वगैरह, और इसमें थोड़ा सा सेल वगैरह, सीजर वगैरह, ये वे प्रोटीन लिया था यहीं का कोई ब्रांड है भाई, पता नहीं, जिम कर रहा था तो उस चक्कर से। तो भाई ये मेरा पूरा ऐसे सामान रखा मैंने, ये मेरा ट्रिमर हो गया, ये हेयर ड्रायर हो गया, और ये अपना घड़ी मिरर ये सब हो गया। तो यार ये सब यहीं का लिया हुआ है, मैं इंडिया से ड्रायर लाया था, वो पता क्या चक्कर हो गया, मेरे को लगा चल जाएगा, अब यहाँ पे आते वो सॉकेट का फ़र्क पड़ गया, कि यहाँ पे वो डिफरेंट सॉकेट होता है ना, अब वो मेरे पास दूसरी वाली वो पेन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, वो थी नहीं कि उससे मैनेज कर, तो मैं नया लेके आया हेयर ड्रायर भी यहीं पर जब मैं आया था, मतलब मेरे को रहते रहते यहाँ पे हो गए 5 महीने हो चुके हैं, मैं सब हाँ मेरे को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं भाई यहाँ पे रहते हुए, मतलब इस घर के अंदर रहते हुए। तो ये भाई मेरा घर, ये भाई सोफ़ा कम बेड है, ये मैंने लिया था भाई 20,000 येन का, हाँ 20,000 येन का मैंने ये सोफ़ा कम बेड लिया था। ये मेरा इंडिया वाला फ़ोन, ये मेरे चार्जर, और ये भाई ये वाईफाई है जो मुझे घर के साथ ही मतलब मिला था, और ये अपना वाईफाई हो गया, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो यहाँ की देखो भाई लाइट रहती है ना, ये देखो अभी ये कम ज़्यादा भी हो जाती है, जैसे ये देखो इसको ऐसे बंद हो गई है पूरी, अब अगर आपको देखो जैसे पूरी जला दी, अब इसको कम करना हो, ये देखो ये ऐसे बिल्कुल कम हो जाएगी, ये देखो बिल्कुल डिम हो गई, अब ये देखो अब पूरी करनी है तो पूरी कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ना वैसे जो मेरा रूम है ना, यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी आती, तो मुझे लाइट की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, मतलब 12-1 बजे के अराउंड तक, तो 2-3 बजे के बाद मैं खुद ही जला लेता हूँ, बाद में भूल जाओ फिर वही लफड़ा। क्योंकि ये देखो क्योंकि ये जो मेरी विंडो है ना, ये देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, जो मैं आपको बात कर रहा था, ये देखो ये भाई पूरी विंडो है, ये देखो जो अभी नीचे खड़े होकर यहाँ से दिखाया था ना मैंने आपको, ये देखो, तो ये चक्कर है भाई, ये मुझे ऐसे एल शेप मिल जाती है, यहाँ मेरी मशीन है, यहाँ वरना पहले ऐसे जा सकते थे पूरा, तो अब कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये मेरी मशीन है, ये भी ये जो मशीन है भाई, ये भी मैंने बाय नहीं करी, ये भी जो मेरी वो थी नेबर, उसने मुझे दे दी थी, उसके पहले मैं कॉइन लॉन्ड्री जाता था, क्योंकि मशीन मैंने यार सोचा कौन ही ले, अकेला रहता हूँ, अब अकेला बंदा क्या मशीन ले यार, इसलिए कॉइन लॉन्ड्री चल जाता था हर हफ्ते में अपने कपड़े उठा के, मतलब 7 दिन में एक बार। और ये मुझे वो अभी वो दे के चली गई, मतलब उसने मुझसे कुछ चार्ज नहीं करा, तो ठीक है भाई, अगर जैसे किसी को प्रॉब्लम ना हो ना, कि जैसे सेकेंड हैंड भी अगर कोई बाय करना चाहते हैं, क्योंकि नई बहुत एक्सपेंसिव आती है, तो सेकेंड हैंड आप बाय कर सकते हो, आपको सस्ती मिल जाएगी काफ़ी। और अगर जैसे आपका कोई जान पहचान का है जो वहाँ से छोड़ के जा रहा है कुछ हो, तो आप उससे भी ले सकते हो, जैसे मैंने मैंने मांगी नहीं थी उससे, उसने मतलब जा रही थी तो उसने खुद ही पूछ लिया कि तो ये चाहिए तो ले ले, मैंने कहा दे दे भाई अच्छा है मेरे काम आएगी, तो यार बहुत थैंक यू उसको, तो क्योंकि मेरे पैसे अब बच जाते हैं, क्योंकि पहले क्या था मैं रात रात में 2-2 बजे लॉन्ड्री जाता था जॉब से आके, तो अब क्या चक्कर है कि अब अपना भाई घर के घर में लगा दी रात को, और सुबह उठ के अपने ख़त्म मिलता है सब। तो ये भाई ये भी मुझे फ्री की है, ये भी बंद कर देता हूँ, ये यार मम्मी मेरी ना कुरियर बहुत भेजती हैं मुझे सामान वगैरह, तो ये बहुत मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं यार, इसको बंद कर दूँ, ये भाई ऐसे लॉक कर दिया इसको, अब नहीं खुलेगा ये। ये भाई ये काउच हो गया, ये काउच भी मतलब जो मेरा ना एक दोस्त था नीचे रहता था, तो उससे ले लिया था मैंने, उसने मुझे बहुत सस्ते में दे दिया था, तो मैंने उससे ले लिया था, ये मैंने थोड़ा बाय करा है उससे ही बहुत सस्ते में। और ये वाला मैंने नया लिया है भाई, ये अपने सोने के लिए, क्योंकि ये तो मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले वो शिफ्ट हुआ है, तो उससे लिया था। और ये मैंने अपने लिए जो सोफ़ा कम बेड है, ये भाई सोफ़ा ही बन सकता है, बेड भी बन सकता है, ये देखो इसके नीचे वो लेयर दिख रही होगी ना, तो मैं सोते टाइम इसको बेड बना लेता हूँ, और वरना इसको सोफ़े पे रखूँ, क्योंकि मुझे ना बेड पूरा दिन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फैला फैला बहुत लगता है यार, बहुत मैसी लगता है, तो इस चक्कर से मैंने इसको सोफ़ा बना के रखता हूँ, रात को सोते टाइम ये बेड बनता है, और ये डबल है, मतलब दो बंदे इस पर आ जाएंगे, डबल बेड का है ये सोफ़ा कम बेड। तो भाई ये चक्कर है, वो मेरा ओढ़ने का हो गया, ये मेरा इंडिया वाला सूटकेस, इसके अंदर मेरा थोड़ा इंडिया का ही सामान है, मतलब
गुड़ हो गया, नमकीन वगैरह हो गई, ये सब खाने पीने का जो मम्मी मेरी भेजती रहती हैं वो मेरे को। तो ये देखो, और ये भाई है अपना वैक्यूम क्लीनर टाइप, जो अपना ऐसे चलाया और पूरा घर ऐसे साफ कर देगा अपने आप ही। तो ये भी अब भाई क्या बोल, ये भी मैंने नहीं खरीदा भाई, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है। ये किसी मतलब इंडियन वगैरह किसी ने नहीं, ये मुझे दिया है एक जो मेरे मतलब जापनीज थे नून में, वो मेरे से मिलने आए थे, तो वो मेरे को गिफ्ट करके चले गए। ये वो गए मार्केट से अपने आप लाके रख दिया यहाँ पे, मैं बाहर गया हुआ था तो मैं आया, ये कर्टिन भी उन्होंने गिफ्ट करे मुझे भाई। तो मैंने तो भाई यही खरीदा है अपने घर में बस, बाकी सब तो मेरे को छोटी मोटी चीज़ और ले ली, जो मेन मेन चीज़ें वो मेरे को ऐसी कहीं से गिफ्ट में मिल गई, किसी ने मुझे ऐसी दे दी। तो भाई सही है, मेरी अलमीरा है, थोड़ा सा देख लेना अगर मैसी लगे तो, सॉरी यार। ये भाई मेरे जो जैकेट्स वगैरह और ये मेरे कोट्स वगैरह जो ठंड में पहनने के लिए, ये यार ये आजकल अपने अभी बंदों में लग गया, पता नहीं इसके अंदर कौन सी शक्ति आ रही है भाई, ये देखना। कोई ना, इसको होने दो बंद, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो भाई ये चेक करें, ये मेरे जो कोट, ये मेरा कोट हो गया, ये भी मेरा ये हुडी है, ये भी जैकेट है, ये भी कोट कोट जैकेट कोट कोट कोट। इसमें मेरा जो है ना, मतलब मेरे को फॉर्मल्स का शौक है, तो इसलिए मैं अपना इंडिया से कोट ही ले आया जो मैं पहनता था, तो कोट उठा के ले आया, वो ब्लैक कलर में काम आएगा वो यहाँ पे। तो भाई ये मेरा जो जीन्स का कॉलम है, ये ऐसे अलग अलग मैंने सेपरेट करा हुआ है, और ये मेरा हैंकी वगैरह का, ये मेरे घर में पहनने के पजामे वगैरह, ये मेरी घर में पहनने वाली जैकेट, ये मेरी घर में पहनने वाली टी शर्ट, और ये बाहर पहनने के। तो मैंने अपने अलग अलग ऐसे डिवाइड करा हुआ है अपने अलमीरा को पूरा, कि भाई ये घर में पहनने का, ये बाहर पहनने का है, तो मिक्स नहीं करा हुआ मैंने। तो ये देखो, जैसे ये घर में पहनने का, ये बाहर पहनने का, ये इनमें से ये कोई से भी मैं पहन लेता हूँ जब मेरा मूड होता है। इसमें कुछ नहीं है, जो मतलब जो मैंने टी शर्ट और शर्ट डिवाइड करी हुई कि ये घर की बाहर की, तो ये चक्कर है। वो मेरी हुडी हो गई, ये देखो लिखा है जापान, और ये अपना डिज्नीलैंड वाली हुडी, जब मैं डिज्नीलैंड गया था तो मुझे जिन जैपनीज के साथ गया था उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थी ये डिज्नीलैंड वाली हुडी। तो मतलब भाई गिफ्ट बड़े मिले हैं मुझे। ये मेरे अपने लोशन हो गए, ये मेरे परफ्यूम हो गए, ये मेरा फेस जेल हो गया, सीरम हो गया, ये भी परफ्यूम परफ्यूम ये सारे, और ये मेरी घड़ी हो गई, और ये मेरा बैग हो गया जिसके अंदर मैं अपना थोड़ा बहुत सामान रखता हूँ, कभी कहीं इधर उधर जाता हूँ तो मैं बैग लेके जाता हूँ, जैसे मेरे को अच्छा लगता है ऐसे बैग के साथ चलना। तो ये चक्कर है, अब इसको बंद कर देते हैं भाई। और ये नीचे थोड़ा मैसी है भाई, नीचे का कोई फ़ायदा नहीं कुछ, ये बस दिखा देता हूँ, ये कपड़े धोने का है, और ये टिश्यू पेपर्स हैं, वो मेरी बुक्स रखी थोड़ी सी, और ये मास्क, और ये देखो ये एक और डब्बा, ये मेरी मम्मी ने जो मुझे भेजा। तो इसको बंद कर देते हैं, और ये देखो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अब ये मेरी जो बालकनी है वो यहाँ से भी खुल सकती है भाई, ये देखो भाई, तो ये देखो यहाँ से भी खुल सकती है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी गेट ना ये पूरा नहीं खुलता, ये देखो यहाँ अटक जाएगा, अगर आपको यहाँ जाना है तो ये देखो, ये ऐसे आप जा सकते हो, ये देखो यहाँ आ गए वॉशिंग मशीन पे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये मेरा नहीं यार, ये पता नहीं जब से मैंने शिफ्ट करा ना किसी की, जो पहले शायद रहता होगा या पता नहीं किसका, ये तो मेरा ही सोफ़े का, मैं सोफ़ा लिया था तो उसका ही है, और ये पता नहीं किसका है भाई। तो यही चक्कर है भाई, और लोकेलिटी हाँ ये देख लो, ये देखो भाई ये पूरे यहाँ पे घर ही घर हैं मेरे, जहाँ मैं रहता हूँ ना पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, तो पूरे देखो आगे तक जाओ घर, इधर चले जाओ घर, इधर चले जाओ घर, और यहाँ से मेन दिक्कत कह रहा हूँ, सॉरी मेन बात है, यहाँ से ना सब कुछ पास है, जो मेरा स्कूल है यहाँ से 10 मिनट बाइसाइकिल पे, और पोस्ट ऑफिस है वो बाहर ही है, सुपर मार्केट है वो यहीं पास में ही है, कन्वीनियंस स्टोर वो यहीं पास में, बस स्टॉप है बाहर की साइड है, स्टेशन वही पास में, मतलब सब कुछ पास में, बहुत कन्वीनियंट है भाई वही लोकेशन मेरी, बाहर जाते पूरा मेन रोड है अपना, तो बहुत बढ़िया यार, मेरे को बड़ा पसंद है मतलब अपनी लोकेलिटी इन मामलों में। ये देखो पूरा बढ़िया, आगे तक देख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर लेके चलते हैं वापसी। हाँ एक चीज़ तो दिखानी भूल गया, जैसे ना कोई भी मेरे घर की बेल बजाएगा ना, तो इसके अंदर उसके फेस आ जाएगा, ये हमारे इंडिया में भी रहता था ना ऐसे, कि जैसे बेल बजाई मेरे बाहर से तो यहाँ पे उसका फेस आ जाएगा, और मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ, जब मुझे उसको अपने घर में नहीं घुसाना तो मैं यहीं के यहीं से बात करके उसको यहीं के यहीं से रफा दफा कर दूँगा कि भाई क्या बात है, जो भी सीन है यहीं से बात करके, ये लगा स्पीकर उसकी यहाँ से आवाज़ आएगी, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये बेल है, ये देखो ये कैमरा लगा हुआ, ये चीज़ ऐसे दबाई बेल बजी,
ये देखो अब यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो आ गया ना, ये देखो अब यहाँ से बटन है ये दबा के वो यहाँ से बोलेगा ना मेरी उस वो मतलब उसकी आवाज़ मुझे आ जाएगी, पर मुझे यहाँ से बटन दबा के उससे बात करनी पड़ेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखो भाई मैं अकेला रहता हूँ, कंट्री कोई सी भी हो बट टाइम का कुछ नहीं पता होता। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि भाई मेरे सेफ्टी फीचर के लिए बहुत अच्छा है। और इस रेंट के हिसाब से ना ये मिलना मुश्किल है जितना मैं रेंट दे रहा हूँ, क्योंकि जो और भी मेरे जान पहचान मेरे दोस्त हैं जो दे रहे हैं उनके घर में नहीं है, तो उनको दरवाज़ा खोल के देखना पड़ता है कौन है। तो ये देखो अब भाई बात करते हैं रेंट की। तो मेरा रेंट है भाई इस बिल्डिंग का, जहाँ मतलब इस बिल्डिंग का सॉरी इस रूम का मैं दे रहा हूँ 38,000 येन, मतलब 38,000 येन में रेंट दे रहा हूँ। और जिसके अंदर जो खाली मेरा जो वाईफाई इंक्लूड है और मेरा पानी का बिल इंक्लूड है, बस ये दो चीज़ें इंक्लूड हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मेरा आएगा, और पानी नहीं सॉरी गैस का, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस का बिल आता है मेरा, वाईफाई और पानी का बिल इंक्लूड है मेरा इस रेंट के अंदर 38 के अंदर। तो ये चक्कर है, पर ये बोलने का 38 है पता है यार, क्योंकि जो मेरा गैस का बिल है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, तो अभी इस महीने का मेरा 16,000 आ गया वो दोनों मिला के, मतलब 16,000 का बिल है वो मेरा। तो देखो 38 48 तो वैसे ही फिर नियरली मुझे हर महीने ना अराउंड अराउंड 55,000 के करीब ही पड़ता है। ये कोई सा भी महीना ले लो, ठंड का गर्मी का, गर्मी में एसी चलेगा तो बिजली जाएगी, ठंड में भी हीटर चलता है तो बिजली जानी है, नहाते टाइम गर्म पानी तो गैस यूज़ होती है, फिर खाने के टाइम गैस होती है। तो लगभग लगभग ना मुझे अराउंड 55,000 के करीब पड़ जाता है ये रेंट, खाली 38 है, उसके ऊपर जो मेरा बिल आता है सब है, क्योंकि साइकिल पार्किंग सब फ्री है, तो मेरे को 55,000 के नियरली पड़ता है, और जिसमें रेंट 38 है ऊपर मेरे बिल हैं। ठीक है, तो मैं भाई अकेला ही पे करता हूँ उतना रेंट, मेरे को मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा मेरा रूम जितना भी है, मैं अपना सेल्फ ही पे कर रहा हूँ सब, क्योंकि यार शेयरिंग में ना या तो कोई देखो आपका बहुत खास दोस्त हो तो ऐसे मजा आए शेयरिंग में, या ऐसे कोई बंदा ढंग का हो सामने वाला, तो अभी मेरी ऐसे कोई बात बनी नहीं है शेयरिंग की। तो फिर मैंने कहा यार अकेले ठीक है, अपनी प्राइवेसी रहती है, अपना जब मर्जी आओ जब मर्जी आओ, सामने वाला सो रहा है कुछ कर रहा है वो डिस्टर्ब हो वो आपको बोले तो ठीक है, क्योंकि हाँ पर एक बात है देखो, अब अगर आपको थोड़ी सेविंग करनी है ना तो भाई शेयरिंग में रहना, क्योंकि मैं तो ये मेरी चॉइस है कि मैं अकेले रह रहा हूँ, वरना लगभग सब शेयरिंग में रहते हैं कि अपना दो बंदे तीन बंदे मिल के रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मेरे वाले के अंदर दो तीन बंदे आराम से रह सकते हैं। तो पर मैंने अपनी पर्सनल चॉइस के उस पर मैं अकेला ही रहता हूँ। तो ये चक्कर है भाई भाई क्योतो के अंदर इतना रेंट है, और ऐसे अपार्टमेंट रहते हैं जो एक अकेला बंदे के लिए होता है, और दो तीन बंदे भी इसमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा रूम का स्पेस भी अच्छा है। और देखो आपने देखा बालकनी एल शेप में, तो मुश्किल ही मिलता है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ ना ये बात ना कई लोगों ने ही बोली कि जो रूम की लोकेशन और जो इस हिसाब से रूम है ना रेंट में तो बहुत अच्छा है। मेरे बगल में एक बिल्डिंग है, उसका रेंट पता है कितना है, 56 57 है उसका, जो मेरे बगल में, मतलब यहाँ पे जापान में ऐसा नहीं कि आपका बगल में, तो हमारे इंडिया में क्या होता है किराया सेम है ना, तो यहाँ ऐसा मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसे होता है कि किराया सेम है अगल बगल में, यहाँ अगल बगल में किराया अलग हो जाता है पूरा दूर दूर तक, प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग हो जाती है। तो ये चक्कर रहता है भाई। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में, सी यू बाय।